हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठी चार्ज के मामले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को एक बार फिर से घेरा है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठी चार्ज की निंदा कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मजदूरों की मदद करने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है सरकार, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि वो इस विपदा की घड़ी में सरकार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए और जिन लोगों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, जो दोषी कर्मचारी अधिकारी उनके खिलाफ गेहूं के पैसे 20-20 दिनों में आज उसकी पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट में भी किंतु परंतु लगा रहे हैं, इस प्रकार लोग पैसा लूट रहे हैं। आपके खाली यमुनानगर की मुझे रिपोर्ट है, इस लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ रुपया वाहनों के चलान काट कर लोगों की जेब से निकाल लिए। लोग तो घर में बैठे हैं, कोई तो किसी को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और ये लोगों के चलान काट के उस पर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं।